चिंताकांड खुलेआम घूम रहे अब्दुल रशीद की हत्या। यह खबर बिहार के गया जिले से है, जहां करियातपुर बाजार में सीएसपी बैंक कर्मचारी अब्दुल रशीद की हत्या गत महीने पहले अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी, जिसके बाद उसके परिजन द्वारा 7 व्यक्तियों को आरोपी बताया था, जिसमें 4 आरोपियों को पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ लिया गया। लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण आज भी 3 अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अब्दुल रशीद के परिवार वालों द्वारा एसएसपी से लेकर डीएम तक दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। देखिए गया से संजय प्रसाद की रिपोर्ट। काम कर रही है ना, बोझ वाला काम कर रही है, तभी तक अपराधी 2 महीने लगभग होने वाला मर्डर होने का अब्दुल रशीद का, और 3 अपराधी अभी तक फरार चल रहा है, इसमें कोई पुलिस अभी कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो अब्दुल रशीद का जो ये है मतलब मोबाइल है उसका, वो भी मांगने गए तो बोला गया अभी रुक जाओ, अभी नहीं मिलेगा। बताइए जब उसका सीजर लिस्ट नहीं बनाया है बड़ा वो अभी तक, तो उसको मोबाइल देने में क्या है भाई? प्रसाद बड़ा वो बोले बोल दिया गया सीजर लिस्ट, हम बोले बनाइए उसको, बोलता बाद में आइए हम दे देंगे मोबाइल, और उसी मोबाइल में हमारा सारा रिकॉर्ड है उसका, हमारा लड़का का लेन देन जो भी है, इसलिए मोबाइल मांग रहे तो मोबाइल नहीं दे रहा है। और अभी तक प्रशासन कुछ मतलब अरेस्ट नहीं कर रहा है उसको, और ना ही कुर्की मार रहा है। बोले सर कुर्की जी क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी तक कितने अपराधी अभी को गिरफ्तार किए? 3 अपराधी को गिरफ्तार किए हैं, 2 अपराधी सिलेंडर किया अपने से रवि और मैंने कैलू यादव यहाँ का घूरी का, और खाप कर 2 सिलेंडर किया, 5 ठोका 3 ठोका अरेस्ट किए हैं, और 3 अपराधी अभी फरार चल रहा है। एक महारानपुर का योगेंद्र यादव, ठेकी का मर्डर करने वाला कैलू यादव। उसमें प्रशासन क्या कर रही है? कुछ नहीं, प्रशासन बार बार हम जाके बोल रहे हैं, थाना पे जाके बोल रहे हैं, फतेहपुर थाना बोल दिया जाना है, बोल रहा है कि हम क्या करें, आपका थाना का अपराधी है, वो आपका दरोगा नहीं काम कर रहा, भुजा साहब काम नहीं कर रहा है फतेहपुर थाना का, तो हम क्या करें? अभी कुर्की मांगिए, ये बोल गया थाना में केस है, कुर्की मांगिए। बोला कि कुर्की अभी नहीं दिए हैं, हाँ लेंगे, खाली बोलते हैं लेंगे। अब लोगे भाई 2 महीना हो गया कि कुर्की नहीं की है, तब जब तक बोलो हाजिर नहीं होगा, अपराधी लोग कुर्की निकालिए फिर अपराधी हो हाजिर होगा अपने से। ये मेरा कहना है भाई, जितना जल्द जल्द उसको अरेस्ट किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए वो लोग अपराधी को, अगर दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं हो। मेरा लड़का तो चल ही गया, कोई भी आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम हम अब्दुल रशीद पापा है, मेरा नाम अब्दुल गफूर है, छोटा मोटा दुकान पार्सिंग दुकान जनरल शॉप चलाते हैं, बगल में मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका बच्चा काम करता था जी, वही लिंक ब्रांक बैंक ऑफ बड़ौदा का संचालक था, वही जो पैसा लेकर आ रहा था तो जान ही रहा है पूरा बिहार, जहाँ ये पैसा लेकर आ रहा था बीच में मर्डर हो गया रास्ते में अलावपुर के पास, 6 अपराधियों ने, 7 अपराधी वहाँ पर, एक मास्टर माइंड का भी लिया था, यहाँ से डील कर रहा था फ़ोन से मोबाइल से, तो पैसा भी छीन लिया, 6 लाख और मर्डर कर दिया। सर गोवा से हम लोग गोवा हैं, हम लोग जा रहे थे बोध गया, हम और हमारा पोता जा रहा था, उसी वक्त देखे बैग छीन रहा था, हम लोग देखे चारों सब ये सब लहरा रहा था, हम लोग रुक गए डर से, नहीं कोई बोले, लास्ट में बैग छीन के और गोली मार दिया। संदीप यादव वो इधर खेत की तरफ भाग गया, उसको धमकी दिया तो मारने का, संदीप यादव साथ में आ रहा था मेरा लगा था, तो पुलिस एक्शन नहीं ले रही, क्या करें, कहाँ जाएँ, किस हम लोग थक जाए दौड़ दौड़, और सारे काम एस पी को ही दिया एप्लीकेशन दिया। एस पी क्या कह रही है आपको? एस पी क्या करेगा, एस पी को हम नोटिस दी, ये एप्लीकेशन लिखी दिया दिल्ली, अभी तक तो कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। अभी तक एसपी आपको कोई काम नहीं कर रहा है? नहीं, एसपी भी अभी नहीं काम कर रहा है, ना ही दरोगा काम कर रहा है कोई थाना का, और डीएम भी नहीं कर रही है, डीएम भी नहीं कर रहा एक्शन ले रहा है, और ना उसका कोई मुआवजा मिल रहा है, जिसका मर्डर हुआ उसका बाल बच्चे का मुआवजा भी नहीं मिला है? नहीं, कोई मुआवजा नहीं, बोलता ये आपात में नहीं आता, ऐसा तो बहुत सा घटना हुआ है, ऐसा कोई प्रावधान, डीएम बोलता ऐसा कोई प्रावधान नहीं हमारे यहाँ, ऐसा बोल दिया।